आरक्षण के विरोध में आज भारत बंद। बिहार के आरा में जबरदस्त हिंसा, बंद समर्थक और बंद विरोधी समर्थकों के बीच हिंसक झड़प। बिहार के आरा में NH-84 पर लगाया जाम, हिंसा में SDO समेत 7 पुलिसकर्मी घायल। आरा में रोकी गई 509 पटना पैसेंजर ट्रेन, पटरी पर उतरकर नारेबाजी। मुजफ्फरपुर में सड़क पर टायर में लगाई गई आग, मोतिहारी बरौनी का रास्ता ठप। बेगूसराय में NH-31 को किया गया जाम, बाजार बंद कराने की कोशिश। भारत बंद को देखते हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पुलिस सतर्क, कई शहरों में धारा 144 लागू। आज बंद के चलते भोपाल में धारा 144 लागू, भिंड ग्वालियर मुरैना में इंटरनेट सेवाएं बंद। ग्वालियर में बंद के दौरान उपद्रवियों से निपटने के लिए 2000 से ज्यादा पुलिस बल तैनात, CRPF की भी तैनाती। मेरठ में भारत बंद का नहीं दिखा खास असर, हाई अलर्ट पर है पुलिस। उत्तराखंड के सहारनपुर में भारत बंद को लेकर प्रशासन चौकस, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। ग्वालियर में बंद से पहले DM ने बुलाई बैठक, शहर के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। मध्य प्रदेश के रायसेन में भी धारा 144 लागू, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने पर होगी कड़ी कार्रवाई। सागर में आज धरना, रैली और जुलूस पर प्रतिबंध, शांति बहाली के लिए पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। टीकमगढ़ में बंद से एक दिन पहले ही धारा 144 लागू, शांति व्यवस्था बहाल रखने के लिए पुलिस ने निकाली पदयात्रा। श्योपुर में भी बंद को देखते हुए प्रशासन सतर्क, जिले में धारा 144 लागू, इंटरनेट सेवा बंद। मध्य प्रदेश शिवपुरी में बंद को देखते हुए स्कूल कॉलेज बंद, शहर में धारा 144 लागू। यूपी में भी भारत बंद को लेकर कई जिलों में अलर्ट, कई शहरों में इंटरनेट सेवाओं पर रोक। भारत बंद के चलते मेरठ में हाई अलर्ट जारी, फिरोजाबाद और मुजफ्फरनगर में बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। मुजफ्फरनगर में अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। यूपी के मुजफ्फरनगर और हापुड़ में इंटरनेट सेवाओं पर रोक, सहारनपुर में भी इंटरनेट सेवा बंद। राजस्थान में भी व्यवस्था चाक चौबंद, जयपुर में मोबाइल इंटरनेट बंद, धारा 144 लागू। मुंबई में बंद का कोई असर नहीं, जनजीवन सामान्य। आगरा में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने पर 3 मुकदमे दर्ज, व्हाट्सएप पर वायरल हुआ था मैसेज। SC ST एक्ट को लेकर कल केरल में दलितों के बुलाए बंद के दौरान हिंसा, कोल्लम में राज्य परिवहन निगम की बस में तोड़फोड़। दलित संगठनों ने सड़कों पर जमकर मचाया उत्पात, जबरन बंद कराई दुकान। यूपी के उन्नाव गैंगरेप केस में बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर का भाई अतुल सेंगर गिरफ्तार, आज तक की खबर का असर। पीड़िता ने विधायक के भाई पर लगाया था आरोप, बदली जा रही है FIR, पिता को बुरी तरह पीटने का भी आरोपी। पीड़ित ने परिवार के साथ CM आवास के सामने की थी आत्मदाह की कोशिश, मामले में अब तक 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। विधायक के भाई का एक और वीडियो आया सामने, पीड़िता के पिता के साथ था शख्स। उन्नाव गैंगरेप केस में बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को योगी आदित्यनाथ ने किया तलब, विधायक ने खुद को बताया बेगुनाह। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा, मोतिहारी में सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। मोदी करीब 20,000 स्वच्छाग्रहियों को करेंगे संबोधित, चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में भी लेंगे हिस्सा। मोतिहारी में PM सरकार की 5 नई परियोजनाओं का भी करेंगे शिलान्यास, मोती झील के जीर्णोद्धार की योजना भी शामिल। प्रधानमंत्री मधेपुरा में बने ग्रीन फील्ड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री को राष्ट्र को करेंगे समर्पित, 12,000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक रेल इंजन का करेंगे लोकार्पण। PM की यात्रा को लेकर मोतिहारी में कड़ी सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती। यूपी के बस्ती में 2 साध्वियों ने बाबा सच्चिदानंद पर लगाया रेप का आरोप, सत्यलोक के आरोपी बाबा आश्रम से फरार। यूपी के कासगंज में दलित पिटाई का वीडियो वायरल, मां और बेटे को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर मारा। गांव के दबंग दलित ऑटो ड्राइवर से मांग रहे थे 100 रुपए, ड्राइवर की मां है नगर पंचायत की सभासद सुखदेवी जाटव। देश में जारी मोती तोड़ सियासत के बीच यूपी में अंबेडकर का हुआ भगवाकरण, बदायूं से सामने आई तस्वीर। बदायूं जिले के दुगरैया गांव में पहले तोड़ी गई थी अंबेडकर की प्रतिमा, विवाद होने पर की पुनर्स्थापना, लेकिन नीले के बजाय इस बार भगवा रंग में रंगे गए।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने जवानों को ले जा रही बस को आईईडी ब्लास्ट से उड़ाया, दो जवान शहीद 28 घायल। जवानों को बेस कैंप से लेकर तोयनार जा रही थी बस, नक्सलियों ने रास्ते में घात लगाकर किया हमला। 14 अप्रैल को पीएम मोदी करने वाले हैं बीजापुर का दौरा, हमले के बाद खुफिया एजेंसी सतर्क। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया खत्म, आखिरी दिन भी कई जगह पर हुई हिंसा। दक्षिण 24 परगना में नामांकन दाखिल करने पहुंची बीजेपी महिला प्रत्याशी से मारपीट, तृणमूल समर्थकों पर आरोप। महाराष्ट्र के सतारा में दर्दनाक सड़क हादसा, 17 की मौत। सतारा के पुणे की तरफ से आ रहा था मिनी ट्रक, टक्कर में 15 लोग जख्मी। यूपी के शामली में तेज रफ्तार कार की डिवाइडर से टकराकर ट्रक से टक्कर, 7 की मौत। बिहार के नालंदा में स्कूल बस पलटी, कई बच्चे घायल। लुधियाना में एक परिवार पर टूटा दुख का पहाड़, आईवीएफ से पैदा हुए जुड़वा बच्चे लेकिन हादसे में हुई दोनों की मौत। हिमाचल के कांगड़ा में खाई में गिरी स्कूल बस हादसे में 24 बच्चों समेत 27 लोगों की मौत, मृतकों में दो टीचर भी शामिल, 11 घायल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। संतुलन खोने के बाद सड़क से फिसलकर खाई में गिरी बस, नूरपुर के पास हुआ हादसा। हिमाचल सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के दिए आदेश, मृतक के परिजनों को 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान। कांगड़ा में हुए हादसे पर पीएम ने जताया गहरा दुख, पीड़ित परिवारों से जताई संवेदना। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में सुमो कार में आग, बाल बाल बचे लोग। हैदराबाद में एक स्कूल में बच्ची की बुरी तरह से पिटाई, फीस नहीं देने पर दी गई सजा। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में 56 गायों की मौत से हड़कंप, जहरीला चारा खाने से मौत की आशंका। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग, दो जवान शहीद। लाइन ऑफ कंट्रोल पर चल रही थी फायरिंग, भारतीय सैनिकों ने दिया मुंह तोड़ जवाब। कावेरी मुद्दे को लेकर तमिल संगठनों के विरोध के बाद भी आज चेन्नई में होगा आईपीएल मुकाबला, राजीव शुक्ला ने कहा तय कार्यक्रम के तहत होंगे मैच। नो, चेन्नई मैच इज नॉट बीइंग शिफ्टेड, सो फार द मैच वुड टेक प्लेस इन चेन्नई इटसेल्फ ऑन 10th। आईपीएल के चेयरमैन राजीव शुक्ला ने कहा हमें चेन्नई में मैचेस को लेकर सुरक्षा का मिला है आश्वासन। तमिल संगठनों के विरोध के चलते चेन्नई में खिलाड़ियों की बढ़ाई गई सुरक्षा, चिपॉक मैदान के आसपास 2000 पुलिस कर्मियों की तैनाती। चेन्नई के पुलिस कमिश्नर ने कहा होटल से लेकर मैदान तक खिलाड़ियों को मिलेगी पूरी सुरक्षा। पीएनबी घोटाले में गिरफ्तार बैंक के पूर्व डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी का ईडी के सामने खुलासा, जीएम राजेश जिंदल को ठहराया कसूरवार। ईडी सूत्रों के मुताबिक गोकुलनाथ शेट्टी ने कहा उसने 2010 में राजेश जिंदल के कहने पर नीरव मोदी को जारी किया था पहला एलओयू। आईसीआईसीआई वीडियोकॉन केस में चंदा कोचर के देवर राजीव कोचर से लगातार 5वें दिन पूछताछ, सीबीआई ने 6 घंटे तक दागे सवाल। राजीव कोचर से अब तक 30 घंटे से ज्यादा की पूछताछ, सूत्रों के मुताबिक कोचर के जवाबों से संतुष्ट नहीं सीबीआई। सीबीआई ने वेणुगोपाल धूत के करीबी महेश चंद्र पुंगलिया से भी की पूछताछ, कई घंटे तक सवाल जवाब। यूपी में तेज आंधी का कहर, फैजाबाद में झोपड़ी पर भारी भरकम पेड़ गिरने से एक परिवार के 3 लोगों की मौत। बाराबंकी में भी तेज आंधी ने ली 2 युवकों की जान, पेड़ की चपेट में आकर मौत। अलीगढ़ में आंधी और बारिश से किसानों को रुलाया, 400 एकड़ में फैली गेहूं और ईख की फसल तबाह। हरियाणा के रोहतक में भी आफत की बारिश, भीग गया अनाज मंडी में रखा अनाज। सोनीपत में बारिश ने बढ़ाई किसानों की मुसीबत, बेचने के लिए मंडी में रखा गेहूं भीगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।